महिलाओं पर अत्याचार अनाचार की घटनाएं भूपेश बघेल की सरकार में बढ़ी। कांग्रेस के जितने दावे हैं वो हवा में रहे हैं। होर्डिंग राम के बारे में भूपेश बघेल हमें बताया ना, कांग्रेस की पूरी पृष्ठभूमि हमें पता है कि भगवान राम के लिए उन्होंने क्या कहा और क्या किया है और जिस प्रकार के काम उन्होंने किए हैं ये छत्तीसगढ़ की जनता कभी उन्हें माफ नहीं करेगी। भाजपा ने जो घोषणा की राजस्थान में सौतेला व्यवहार किया है, पीएम सारे देश की उन्हें सब जगह सिलेंडर वाली जो घोषणा सबको देनी चाहिए। देखिए भूपेश बघेल जी आज छत्तीसगढ़ के जनता के प्रश्नों का जवाब दे कि 2018 में उन्होंने क्या क्या वायदे किए थे और क्या क्या पूरा किए और जिस प्रकार से उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दिया, हर वर्ग को ठगने का काम किया, उसका जवाब भूपेश बघेल जी को देना चाहिए। महिला वोटर जिस प्रकार से मतदान करने केंद्रों में पहुंची, क्या लग रहा है इस बार? देखिए जहां तक माताओं बहनों के सशक्तिकरण का, उन्हें आगे बढ़ाने का काम ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्व सहायता समूह के माध्यम से माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल जी ने माताओं और बहनों को धोखा दिया है, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो, चाहे महिला स्व सहायता समूह के कर्जे माफ़ करने का मामला हो, चाहे 4 सिलेंडर मुफ्त में देने का वादा किया, महिलाओं पर अत्याचार अनाचार की घटनाएं भूपेश बघेल की सरकार में बढ़ी है, तो माताएं बहनें भूपेश बघेल की सरकार से नाराज थी और उन्होंने जो बढ़कर वोट किया है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। 75 पार कांग्रेस बोल रही है और भाजपा कितना पार बोल रही है? कांग्रेस के जितने दावे हैं वो हवा में रहे हैं, होर्डिंग में रहे हैं, कांग्रेसियों के जबान पे रहे हैं। ये 75 पार का दावा भी उनका हवा में रहने वाला है। पहले 75 कहा, फिर 65 में आए, फिर 55 में आए, 3 तारीख को वो कहाँ जाएंगे पता चलेगा। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कार्यक्रम में युवा पीढ़ी को जिसमें शादी होती जो युवक उनका बायोडाटा प्रिंट रहता है, बालकगण आते हैं, लड़का लड़की एक जगह देखते हैं, समय का बचत अलग होता है, खर्च का बचत अलग होता है। तो आज का ये कार्यक्रम रहा, मैंने अपनी ओर आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दी है। सहायता का महिला आयोजन सबको मैंने बधाई दिया और उन युवकों को भी उनके प्रति शुभकामना उसका भाग दे रहे हैं और जिनकी शादियाँ सफल जीवन यशस्वी जीवन ऐसा अलग से क्या तैयारी काउंटिंग एजेंट बनाना होता है, काउंटिंग एजेंट बना रहे उसके बाद जाएंगे काउंटिंग पे, उसके अलावा तो मैं समझता हूँ जश्न उसने की तैयारी जीत का जश्न जश्न की जो तैयारी रहती है वो स्वमेव भी हो जाता है, तैयारी पहले से अलग से करते हैं। सर चेक कर लो।